बॉलीवुड फिल्मों में विलेन के रोल को हमेशा से इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बॉलीवुड में कुछ ऐसा विलेन थे जिनके किरदारों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है, और हिंदी सिनेमा में ऐसा ही एक विलेन थे जिनका नाम था अजीत। मैं तो खुद गरीबों का, जनता का हमदर्द हूँ, उनके दुश्मनों का भी दुश्मन। अजीत का असली नाम थे हैदर अली खान, जो कि हैदराबाद के रहने वाले थे। नाना भाई भट्ट ने उन्हें ये अजीत नाम फिल्मों में आने से पहले दिया था। नाना भाई भट्ट डायरेक्टर महेश भट्ट के पिता थे। नाना भाई भट्ट को लगा ये नाम काफी लंबा है, इसलिए उन्होंने इनका नाम छोटा करके अजीत रखा, जो कि बाद में ये नाम काफी लकी साबित हुआ। अपने घर वालों और अपने पिता के सामने अजीत ये नहीं कह सकते थे कि उन्हें एक्टर बनना है, और इसीलिए उन्होंने अपने स्कूल के सारे किताब बेच के मुंबई भाग आए थे। मुंबई में आने के बाद उनका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। उनका एक बेटा था और उनके पत्नी भी थी। पुराने टाइम में मुंबई में सीमेंट के पाइप के अंदर मजदूर लोग रहा करते थे। एक वक्त ऐसा था जब वहाँ के कुछ लोकल गुंडे आए और उस पाइप में रहने वाले हर मजदूर से हफ्ता वसूल करते थे, और उस पाइप में रहने वाले लोगों से उन लोकल गुंडों ने पैसा लेना शुरू कर दिया, और यह सिलसिला चलता रहा, जिसका अजीत ने विरोध किया और उन सारे लोकल गुंडों को मार के भगा दिया। और उस दिन के बाद वहाँ के लोगों ने अजीत को दादा मानने लगे और उन्हें कभी कभार फ्री में चाय वगैरह पिलाने लगे, और उन्हें दिनों वो फिल्म के लिए स्ट्रगल किया करते थे, और उनका स्ट्रगल बहुत ही जल्दी रंग लाया। शुरुआत में उन्हें फिल्मों में एक्स्ट्रास के तौर पर काम दिया जाता था, जैसे भीड़ के पीछे खड़े रहना, तीन चार लोगों में से एक सीन, ऐसे छोटे मोटे काम उन्हें दिया जाता था। लेकिन उनके व्यक्तित्व और उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि जल्दी ही उन्हें अच्छे काम मिलने लगे, और फिर धीरे धीरे उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। नाना भाई भट्ट ने उन्हें पहला लीड रोल दिया था और वे बन गए एक लीड हीरो, नास्तिक, विलेन, बिरादरी, बड़ा भाई, ये सारे फिल्मों में उन्होंने एक लीड रोल किया था। फिल्म नया दौर और मुगले आजम में उन्हें एक सेकेंड लीड रोल में बहुत अच्छे काम किया था। महान रेसलर एक्टर दारा सिंह के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। अजीत कभी भी किसी भी रोल के लिए माना नहीं करते थे, उन्हें जैसा भी रोल मिले वो कर लेते थे। फिर एक वक्त आया जब 4-5 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था। फिर एक दिन अपने दोस्त राजेंद्र कुमार के साथ एक होटल में बैठ कर वो ताश खेल रहे थे, और उन दिनों राजेंद्र कुमार की फिल्म सूरज की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन उसके लिए उन्हें एक अच्छा विलेन की जरूरत था। फिल्म के डायरेक्टर थे टी प्रकाश राव, ये चाहते थे इस फिल्म में प्रेमनाथ काम करे, लेकिन किसी वजह से ये नहीं हो। और फिर राजेंद्र कुमार ने अजीत से कहा कि तुम इस फिल्म में विलेन का काम क्यों नहीं करते। ये सुनते ही अजीत इस फिल्म के लिए राजी हो गए। सूरज एक सुपरहिट फिल्म बनी और ये इनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक विलेन का काम किया था, और फिर इसके बाद उनके लगातार विलेन वाली फिल्म का सिलसिला चलते रहे और बॉलीवुड को मिला एक नया विलेन। उस वक्त के जो विलेन थे, अजीत इन सब में से एकदम अलग था। वो अपने किरदारों में विनम्रता लाए, अपने डायलॉग में ठहराव लाए, बेवजह ओवर एक्टिंग नहीं करते थे, और यही खूबी थी अजीत की। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? जब विलेन के तौर पर उनकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि हीरो से ज्यादा उन्हें पैसा मिलने लगे, फिल्म जंजीर में उनके द्वारा निभाए गए किरदार सबको याद है। एक्चुअली में ये किरदार इंस्पायर्ड था इंदौर के एक गैंगस्टर से, और फिल्म का राइटर सलीम खान इस गैंगस्टर को जानते थे, और उन्होंने फिर अजीत से उन्हें मिलवाया। अजीत ने फिर कुछ दिनों तक उस गैंगस्टर के साथ बिताए, और फिर उनके चलने फिरने, उनकी बात करने बैठने, ये सब चीज़ों को उन्होंने गौर किया, और उसी गैंगस्टर से इंस्पायर होकर अजीत ने जंजीर फिल्मों में एक किरदार निभाया था। इसके अलावा काली चरण और यादों की बारात जैसे फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए रोल को हमेशा याद रखा जाएगा। काली चरण फिल्म के प्रोड्यूसर NN सिप्पी सिर्फ एक शर्त पर इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार हुए थे। वो इस फिल्म में अजीत और प्रेमनाथ को एक साथ देखना चाहते थे, और आखिर में ऐसा ही हुआ। डायरेक्टर सुभाष घाई की ये पहली फिल्म थी, और वहीं दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा का भी एज ए लीड रोल ये पहली फिल्म थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हीरो और विलेन दोनों की संतुलन एकदम बराबर रखा गया, बल्कि किसी किसी सीन में
विलेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया और इसी फिल्म का वो पॉपुलर डायलॉग आपको तो याद ही होगा। लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। 1984 में बने फिल्म राज तिलक के बाद उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना छोड़ दिया और फिर वो हैदराबाद जाके अपने फार्म हाउस में खेती करने लगे। उन्हें खेती करना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और फिर लगभग 10 साल तक वो फिल्मों से दूर रहे और फिर 1994 में डायरेक्टर सलीम अख्तर एक फिल्म बना रहे थे। वो चाहते थे इस फिल्म में अजीत काम करे और यह फिल्म था पुलिस ऑफिसर और इस फिल्म के हीरो थे जैकी श्रॉफ और इस तरह उनकी दूसरी पारी शुरुआत हुई। राइटर सलीम खान को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाला अजीत ही था और सलीम खान ने भी राइटर बनने के बाद अजीत को ध्यान में रखते हुए कई शानदार फिल्में उनके लिए लिखी और अच्छे अच्छे डायलॉग भी उनके लिए लिखा है। अजीत के पिता उनसे नाराज रहते थे क्योंकि वो हैदराबाद छोड़कर फिल्मों के लिए मुंबई में रहते थे, लेकिन अजीत हमेशा अपने पिता को बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट अपने पिता के लिए भेजा करते थे और फिर मरने से पहले अजीत के पिताजी ने एक दिन अजीत को बुलाकर एक अलमारी खोलकर दिखाया जिसमें वो सारे गिफ्ट रखे हुए थे जो मुंबई से अजीत ने अपने पिता के लिए घर भेजे थे। उनके पिता ने कहा कि सारे गिफ्ट लेना मेरे लिए हराम है क्योंकि ये मेरा वसूलों के खिलाफ है। अजीत ये नहीं चाहते थे कि उनकी तरह उनके बेटा भी फिल्मों में काम करे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त राजेंद्र कुमार के बेटे को यानी कुमार गौरव को दिखा था रातों रात कैसे स्टार बन गए और रातों रात कैसे फ्लॉप हो गए। और वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे शहजाद कभी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने पिता से कहे कि उनकी तरह उन्हें फिल्मों में काम करना है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने पिता को बताए बिना फिर मंसूर खान से जाकर मिले। मंसूर खान उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम है क्यामत से क्यामत तक। अजीत इस बात से नाराज थे और उन्होंने अपने बेटे की पहली फिल्म क्यामत से क्यामत तक नहीं देखी। बाद में शहजाद ने जब फिल्म अंदाज अपना अपना में काम किया और अपने पिता के द्वारा निभाए गए हर अभिनय को कॉमेडी के द्वारा पेश किया तब उनके पिता ने उस फिल्म को देखा और काफी इंजॉय किया और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें अपनी एक अलग इमेज बनानी चाहिए। और ऐसा था अजीत साहब की जिंदगी। आम जिंदगी में वे बहुत एक साधारण सा इंसान था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हम और इस तरह के वीडियो बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।